तो ये सामान देख लो सारा यहाँ पर, ये थर्ड टेक चल रहा है। इतनी फ़ोन में कुछ दिक्कत आ रही थी। ये पड़े फ्रेंच फ्राइज, यहाँ बन रही है राजमा, यहाँ पड़े चिकन, ये पड़ी मेरी बुकुली। और सीन आज का ये है कि आज है हमारा स्पेनिश क्लास में खाना बनाने का सीन। तो उनका ऐसा था कि उनको बहुत ज़्यादा फैसिनेशन थी इंडियन फूड से। तो मैं कहा भाई ये इंडियन फूड ही बनाया आज, चावल वावल भी तैयार है, चॉकलेट सिर्फ टैको राजमा टैको इंडियन फूड मेक्सिकन टाको थोड़ा वो ज़्यादा इंडियन ना हो जाए ना, तो इसलिए टाको बना रहा बना दिया। हूँ। बीच में बोलना क्या बोलना। तो सीन ये है कि आलू वाले सब बन गए हैं, फ्रेंच फ्राइज भी इंडियन नहीं है पता है मेरे को, लेकिन राजमा तो है ना, कुछ तो है इंडियन। और ये जो इसमें जो चिकन डालेगा वो उसकी मैरिनेशन, वो हो क्या मैरिनेशन हो रखी है उसकी, ड्रम स्टिक्स भी बना रखी है उसकी भी मैरिनेशन अच्छी है। तो सीधा आप लोगों से मिलेंगे नहा धो के सब कुछ कर बोरा के वहीं क्लास में। तो आज का ब्लॉग थोड़ा इंग्लिश, थोड़ा स्पेनिश, थोड़ा हिंदी, सब कुछ मिक्स होगा, ठीक है। तो स्पेनिश का तो मैं ट्रांसलेशन नीचे डाल दूंगा, इंग्लिश का जो रहेगा वो समझ जाओगे तुम लोग, ठीक है। तो चलो फिर चलते हैं, कैसे खाना बनाते हैं उसके लिए अलग ब्लॉग बना लेंगे कभी, जब अच्छे से बनाना आ जाएगा खाना। हम लोग हो गए थोड़ा सा लेट, थोड़ा सा मतलब ज़्यादा ही लेट हो गए हैं ये सब बनाने के चक्कर में, आधा घंटा लेट है क्लास को। अब बात ये है कि उन्होंने शुरू ना कर दिया हमारे बिना, अगर शुरू कर दिया होगा तो कोई नहीं बाद में ज्वाइन कर लेंगे, कुछ ख़त्म ना हो। खाना भी तो खाना है, लेकिन बहुत कुछ बनाया मैंने कुछ, इसलिए लेट हो गया। एक चीज़ रह गई, एक ब्राउनी टाइप और बनाई थी बिस्कोचो बोलते, लेकिन वो बनी नहीं, बनी थोड़ी थोड़ी रह गई, टाइम की कमी थी इसलिए घर छोड़ा है, वो हम घर जाके खुद खा लेंगे। भाई एक दिक्कत और हो गई है, मास्टर ने कही थी कि खाएंगे भी और पहले पढ़ेंगे भी, लेकिन मैं बुक्स नहीं ला रहा हूँ, बैग वैग कुछ नहीं लाया हूँ साथ। मेरे को लगा यार बढ़िया अपना खाना बनाओ और चलो खाना खाएंगे सीधा वहाँ जाके, लेकिन अब मास्टर बोला, अभी बताया और ये भी यहाँ आके बता रहा है, घर पे इसको बोला मैं बुक नहीं ले जा रहा, कह रहा ठीक है देख ले तेरी मर्जी, यहाँ आके बोल रहा है मास्टर ने कही थी कि पहले पढ़ाएंगे फिर खाएंगे। वो तो अच्छा है, हम आधा घंटा लेट है, उसने वो होमवर्क वोमवर्क जो भी था करवा दिया, हो नहीं करवाया तो बेटे चीते मौज हो जाएगी इसकी तेरी। हाँ इतना जोश में खाना तो भर भर के ले आए इसमें, फिर वहाँ तो और बर्तन साफ करने बैठ गया 20 मिनट में, क्या और यहाँ आके पता लग रहा है पहले पढ़ाई करनी थी और फिर खाना खाना था। अंदर जाते हैं फिर बताऊँगा बचे या गए या क्या रहा। हम परफेक्ट टाइम पे है भाई, वी जस्ट केम स्पेनिश क्लास में, होमवर्क हो गया तब आया हम लोग, होमवर्क हो गया तब आया हम लोग, पहले से टेबल लगा के रख रखा भाई ने। तो खा मेरे को बता भाई, मेरे को अभी पता नहीं। नो 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 मुझे ¿Cómo está? ¿Cómo está? Sí, está bien. ¿Sí? Tú y Javai, tú y Javai, el tipo está bien. No. ¿Y esto es típico indio o algo? No, no, es... No, esto es como mexicano. Esto no es indio, este es indio. O sea, este también. O sea, estamos haciendo como... Pero eso no. No, es casi mexicano. Hay cosas dentro que es como indio, pero... En India, we usually... Español, bro. Tomamos un poquito de eso y ponemos aquí con la cuchara. No sé. Uf. Un poquito y ya está. Ah, wow. Padre, sin desastre. Tempe. ¿Qué es tempe? Que no sé. Soja, como tofu. Pero se puede comer así. Oh, tofu. Ah, pero sí, puedes. Pero sí. Dije momos. Momos alu que sata, bas. Oh, sí. Bueno, con patatas. No sé.
और वो गुआकामोली घर पे बनाएंगे पता था कौन सेबोया ये हमारा मास्टर भाई ऐसे कैसे भंडारे में खड़ा है तू कौन देगा तेरे को खाना क्या अरे मैं भंडारे की तरह लेके खड़ा है खुद नहीं लेके खड़ा भंडारे की तरह कैसा अच्छा मोमोज जैसा नहीं भंडारे में आपको सबसे अच्छा क्या लगा या आप रख सकते हो वहाँ पर बेचारा बैठ के खड़ा लेके खड़ा अभी बारी आ गई भाई ओस्ट्रेस की खा लूँ क्या डेजर्ट हो गई है सब मफिन है और ये पैनकेक है और ये मेरी पीरी पीरी है ये मेरी बुग्गू है माखरी मफिन वाचा और मेरी मेहनत लेवो मास पाको पेरो मिस्मो सेक्टर el mismo sector es que al final pues retirarse o jubilarse pero para jubilarte tienes que tener En España ya 66 o 67 años. En Vietnam la mujer es 50. Es 50. Mujeres es 60. ¿Y los hombres? Y los hombres son 65. ¿Qué injusto? Creo que es, puede ser el reverso. Porque lo las contrario. Mujeres... मफिन पसंद है या उसको कुछ और ही पसंद है क्या क्या बोलती पब्लिक बोले तो तकलीफ इधर होगा तीस का खर्रा खा रहा होगा किसी को नहीं बता रहा दादा फसुन गई कैमरा में कह रहा है खाना हो गया खत्म कुछ नहीं कह रहा है अला 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 कोई बात नहीं हम वो डिस्कस नहीं कर रहे तू करता है ना ये जो स्टोरी घुमा के तू व्लॉगर्स को सुनाना नहीं पसंद आता व्लॉगर्स को व्लॉगर तो हम है ना व्यूअर्स तू है व्लॉगर मैं व्लॉगर नहीं हूँ खाना हो गया हमारा खत्म घर को निकल लिए हैं बढ़िया सबको खाना अच्छा लगा ऐसा हो गया कि नॉर्मली ना हम लोग खा लेते हैं भाई बढ़िया पेट भर के बहुत अच्छा घर पे जब खा रहे होते हैं यहाँ से आज पेट भर वही ना थोड़ा थोड़ा खा के पेट भर गया आज तो भाई ज़्यादा ही भर गया यहाँ के लोग और इसका सेंस ऑफ ह्यूमर वू नेक्स्ट लेवल क्यों कुछ नहीं ऐसे क्यों बोलता बस तो भैया खाना इतना खा लिया है कि पेट फट चुका है लेकिन इतना नहीं खाया है जितना खाते हैं तो पता नहीं अजीब सा हो गया सबसे बेस्ट पार्ट पूरे उसका मफिन ही था भाई मेरे को कसम से मफिन के लोग कुछ पसंद नहीं आया मफिन में मज़ा आ गया तेरी आँख कैमरा से क्यों निकलती है कैमरा से निकलती है मतलब चलो पिछली बार भी बोला था मैंने नहीं अभी भी अभी इनसाइट्स इनसाइट्स अरे तो अब देखना मैं सीढ़ी नहीं देख रहा सीढ़ी तू मैं सीढ़ी नहीं देखूंगा सीढ़ी पे चलूंगा तू सीढ़ी नहीं देख रहा ना लेकिन तो गंदा आदमी है शर्म चलो तो अभी हम निकलते हैं घर और शाम की ट्रेनिंग को जाएंगे पता नहीं खैगो मिल गया भाई को खेलने को अगर हिम्मत है तो किसी का मास्क को ऐसे करके दिखा कर दिया अबे किसी और के तूने वो नहीं बोला था नहीं यार जितने भी लोग हैं मास्क कभी कर दो मैं भैया मास्क वो देखी बंदी ने भी नहीं पहन रखा बाहर नहीं पहना ना अंदर तो पहनता है अंदर क्या पता ना पहने क्या पता कई लोग जो होते हैं जो अंदर नहीं पहनते कुछ ये चीज़ तो यार घर ही भूल गए इतनी बढ़िया चीज़ बनाई थी नाचोस और फ्रेंच फ्राइज और बहुत कुछ था इसके अंदर चीज़ वीज मोज़रेला एक नंबर मतलब तो रात गई बात गई ओके खाए क्या खाना तो ठीक है डिनर ही कर लेंगे इससे रात को एक ज्यादा बाइट ना ले समथिंग विद अ फ्राई एंड दिस नो वेट आई विल टेल यू दिस लुक्स नाइस पूरा
चिप्स तो गल गए. बहुत देर हुई ना. एक और चीज़ थी जो हम लोग बना के बनाई थी लेकिन लेकर नहीं गए. ये अभी दिखने में थोड़ी अच्छी नहीं दिख रही होगी लेकिन ये ब्राउनी केक पॉट ऑफ बिस्कोचो बोलते हैं यहाँ पर इन लोगों को. खाने में ठीक है लेकिन शिट यार रह गई. ले जाते तो मज़ा सा बन जाता. ऐसे कैसे बैठी है, मेरा वेट कर रही है क्या? वो भी टॉयलेट पेपर के साथ, मतलब रेडी है पूरी की पूरी. ये क्या होता है? मुझे क्या पता. अरे कुछ भी नए शब्द बना रहा. इंग्लिश मेरे को नहीं आती कि तेरे को नहीं आती? लगता किसी को नहीं आती. बट यू आर जस्ट हैंगिंग. यू आर कंसीव्ड इन यूएस ना, तेरे को आनी चाहिए. वेयर इन यूएस? यूएस यूएस साले. जी भैया जी, तो ट्रेनिंग हो गई है ख़त्म. सीधा ट्रांजिशन हो गया शाम में. और अभी सीन आज का ब्लॉग करते हैं ख़त्म. तो मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में. जब तक के लिए बनस नोचेस सभी को है, भाइयों को सबको. मिलते हैं आगे अगले नए एडवेंचर के साथ. समथिंग गुड इज़ कमिंग अप. चलो फिर, मज़ा ही आ रहा ट्रेनिंग करके. तो ये अपना ग्राउंड है. रात में कुछ ऐसा दिखता है, दिन में तो देखा ही हुआ है आपने. आज का खाना बढ़िया था साला. पता नहीं ऐसा क्या डाल रखा था. थोड़ा खाना खाया और रात तक नहीं, शाम को यूजली मैं क्या करता हूँ, ये सात साढ़े छः सात छः बजे करीब हल्का सा ट्रेनिंग से पहले एक केला, पीनट बटर और दूध पीता हूँ. तो वो भी तक पीने का मन नहीं कर रहा मेरे को, इतना पेट भरा हुआ था. वो भी इतने से खाने से ढंग से खाया भी नहीं. अभी घर जाके बाकी का खाना खाऊंगा. चिकन नहीं खाया था मैंने क्योंकि. चलो फिर घर जाके ख़त्म करते हैं और बाकी इस ब्लॉग को यहीं ख़त्म करेंगे. ठीक है.